हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 841 वैकेंसी आई है ऑफिस अटेंडेंट की, जिसकी सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए आप 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने टेंटेटिव डेट्स बताई हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम की, जिसके अकॉर्डिंग 9 और 10 अप्रैल 2021 को आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, इन सभी 841 वैकेंसियों को जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं। और इसी डिटेल में बताया हुआ है कि आरबीआई के कौन से ऑफिस के लिए यहाँ पे कितनी सीटें अलॉट की गई है। दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल के सभी कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल हैं, और यहां जो क्रूशियल डेट रहेगी वो 1 फरवरी 2021 रहेगी। इसी तारीख के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की एज यहां पे कंसीडर की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, यहां पे एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो है अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा भी यहां कुछ कैटेगरियां हैं जिनकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इन सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट जो है कम से कम 10वीं पास हो, और कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी वो 1 फरवरी 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक की जाएगी। उसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो डोमिसाइल हो उसी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के, जिस रीजनल रिक्रूटमेंट ऑफिस के लिए वो कैंडिडेट जो है पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। यहाँ आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये पेपर कुल 120 नंबर का होगा। पेपर में कुल 120 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के जो है 30-30 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। इस पेपर को करने के लिए कैंडिडेट को जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और यहाँ आपकी 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और यहाँ दोस्तों, इस रिटर्न टेस्ट को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को जो है वो LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफेशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी इस टेस्ट के जो है नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, लेकिन इसको क्वालिफाई किए बिना कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन के लिए नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ये लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और सबसे लास्ट में यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट की कराई जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की सैलरी की। तो इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो 26,500 रुपए महीना रहेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो है 50 रुपए इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे करना होगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो है 450 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करनी होगी। यहाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ गाइडलाइन बताई हुई है, जिसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी फोटोग्राफ और साइन की इमेज को अपलोड करोगे। तो ये सारी ही डिटेल जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।